अब एक सवाल है भावना जी का, और वो कॉर्ड्स केबल के बारे में जानना चाहती हैं। आज ही खरीदा है उन्होंने 70 रुपए के भाव पे कॉर्ड्स केबल। केबल इंडस्ट्रीज 70 पे खरीदा है आज का क्लोज है 70 का। ओके देखिए अपने पहली चीज की एक अच्छा काम आपने ये किया है कि स्टॉक को कूल ऑफ होने दिया है। ओके भावना जी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा चूंकि मुझे नहीं पता कि आप खुद खरीदते हैं या किसी की सलाह लेते हैं, खुद खरीदते हैं तो आपको ये थोड़े पॉइंट्स काम आ जाएंगे। आपने अच्छा ये काम किया है कि बहुत शार्प प्राइस के बाद इसको कूल ऑफ होने का मौका दिया है और अच्छा कूल ऑफ हुआ। चांस लेने के हिसाब से खरीदना बनता है। थोड़ा यही ध्यान रखना है कि ये 66 के नीचे क्लोज नहीं हो। 66 के नीचे क्लोज होने पे थोड़े प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होंगे जो इसको 62 पे तरफ लेके जाएंगे। अभी 66 से आप पूछेंगे कि 62 हम 4 रुपए की बात कर रहे हैं, हम 4 रुपए की नहीं बात कर रहे हैं, हम करीब करीब 8% की बात कर रहे हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा आप, बिकॉज ये पॉसिबल है कि इसमें अभी भी थोड़ा कूल ऑफ होगा। बिकॉज देखिए जस्ट 50 DMA के आसपास ये स्ट्रगल कर रहा है, उसके पहले एक जो 72 का जो सपोर्ट होना चाहिए था उसके नीचे क्लोज हो रहा है, वो ठीक चीज नहीं है। 66 के नीचे अगर क्लोज होता रह जाता है तो इसका पूरा का पूरा जो राइज था वो रिट्रेस होना शुरू होगा। वो रिट्रेस होके हो सकता है 62 या उसके नीचे भी जाएगा। अभी उसकी क्लैरिटी मुझको नहीं रहा, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि फिलहाल इसका एक बॉटम बनने देने का हमको टाइम देना चाहिए, और 66 के नीचे क्लोज आता है तो फिर ये जो राइज थी वो खत्म हो जाएगी, जो मोमेंटम था वो खत्म हो जाएगी। इतनी क्लैरिटी। जी सुमेश, मैं कोशिश कर रहा था ये समझने की कि यहाँ 66 पर क्या आता है। तो कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रहा है, कोई मूविंग एवरेज भी नहीं आ रहा है, कोई स्विंग लो भी नहीं है वहाँ पर। क्या देख रहे हैं वहाँ पर आप? ओके तो देखिए एक चीज और समझाता हूँ। ये जो रिट्रेसमेंट है ना, रिट्रेसमेंट का जो सक्सेस है ना वो प्राइस के साथ साथ टाइम पे डिपेंड करेगा। ये रिट्रेसमेंट इस स्टॉक के राइज के लिए ना टाइम ही नहीं है, तो सिर्फ रिट्रेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं देगा। और जहां आपने इसको थोड़ा सा और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जूम इन बोलते हैं या जो भी, और इसको वैसा कीजिए, नहीं ये तो जूम आउट हो गया ना, मुझे समझ नहीं आता मतलब और छोटा। हाँ अभी आप देखिए इसके पहले, जी अभी आप इसके पहले देखिए ये खिचड़ी में किधर से रिट्रेसमेंट या कोई सपोर्ट मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए मल्टीपल चीजें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, मल्टी फैक्टर मॉडल से एक रेंज निकाल के काम करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। इसमें वॉल्यूम अच्छा, खरीदने समय वॉल्यूम अच्छा था अगर वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मोमेंटम वेन हो गया तो वापस ये रेंज में चला जाएगा। फिर फ्रेश ट्रिगर क्या होगा मुझे नहीं पता, उस चीज को वेट करना पड़ेगा। जी यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह का वॉल्यूम हमें अभी दिखा था खरीदारी के समय, वैसा ही कुछ वॉल्यूम हमें इससे पहले वाली खरीदारी के समय भी दिखा था। और तब क्या हुआ था उसके बाद, मतलब जून 2021 में वैसे ही वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई थी, एकदम तेज खड़ी दीवार की तरह ये उछला था। और उसके बाद काफ़ी लंबा साल भर का कंसोलिडेशन दे दिया इसने, साल 1.5 साल का। तो कहीं वैसा ही कंसोलिडेशन फिर से तो नहीं आ जाएगा? देखिए चूंकि मैं इसका रिजल्ट ट्रैक नहीं किया है मैंने, और फंडामेंटली मुझे आइडिया नहीं है इस कंपनी का, अदरवाइज एक कॉल ले सकते थे हम यहाँ पे। राइज बहुत अच्छी है, मे बी ऑन द बैक ऑफ सम न्यूज, उस न्यूज का क्या इम्प्लीकेशन है उसके हिसाब से ही काम किया जा सकता है। अगर वो न्यूज का इम्पैक्ट खत्म तो खत्म, जी लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसमें होप खत्म नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि होप का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 56 रुपए जहाँ बॉटम है वहां, तो उतना बड़ा रिस्क लेने के लिए फिर हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपना बाइंग 62 के आसपास, तब हम वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वो 56 के पहले खत्म नहीं होता है, बिकॉज़ फॉल लार्ज वॉल्यूम पे तो नहीं दिखता। जी